नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। आशा है आप बहुत स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की या ऐसे डिसऑर्डर की जो कि 7 में से 1 मैरिड कपल्स फेस करते हैं अपनी लाइफ में कभी ना कभी, और उसका नाम है इनफर्टिलिटी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस हॉस्पिटल्स, और आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बांझपन। अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई इनफर्टिलिटी का केस होता है तो रिफ्लेक्सली हम लोग जो वुमन है उसी को ब्लेम करते हैं कि भाई ये लड़की में ही कोई प्रॉब्लम होगी कि बच्चा नहीं कर पा रही हैं, जबकि ऑलमोस्ट इक्वल चांसेस हैं कि जो मेल पार्टनर हैं, जो आदमी हैं, उनमें भी तकलीफ हो सकती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? इनफर्टिलिटी का ये मतलब है कि 1 साल तक एक कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स रेगुलरली कर रहे हैं, बच्चा करने को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा है, और उसके दोनों ही पार्टनर्स में कुछ कुछ कारण हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो मेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या आपके रिस्क फैक्टर हैं जो आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं? सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं वेट, ओबेसिटी। अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा वजन है, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर एज आपकी 40 से ज़्यादा है, 40 की उम्र पार कर चुके हैं, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे रेडिएशन एक्सपोजर, पेस्टिसाइड एक्सपोजर, आप लेड में या पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या एक्सरे बहुत सारे एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, तो भी आपको इनफर्टिलिटी का रिस्क फैक्टर है। और मेन जो रिस्क फैक्टर जो सबसे कॉमन है वो है तंबाकू, शराब, ड्रग्स का सेवन। अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो भी आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी करते हैं। बायोलॉजिकल में तो देखिए, बॉडी के अंदर अगर कोई तकलीफ है, जैसा बहुत कॉमनली देखा जाता है अनडिसेंडेड टेस्टिस, जो हमारे टेस्टिस हैं वो बॉडी के बाहर रहते हैं, लेकिन जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो उसके टेस्टिस शुरू बॉडी के अंदर ही होते हैं, किडनी के पास से, और धीरे 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 वो नीचे आते जाते हैं और फिर शरीर के बाहर आके लटकने लगते हैं। क्यों लटकते हैं बाहर शरीर से, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर पर, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.4 डिग्री फारेनहाइट, इस पर वो स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। उनको शरीर से 2 डिग्री ठंडा टेम्परेचर चाहिए स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो ज़्यादा दूर लटकते हैं आपसे शरीर से, और जब सर्दी होती है तो वो शरीर के पास आ जाते हैं। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं आ पाए, यानी डिसेंड ना हो पाए, किसी भी कारण से हो सकते हैं, उनकी जो तार है वो छोटी है या कोई और जेनेटिक फैक्टर है, तो बॉडी के अगर अंदर ही रह गए और हमने उनको ऑपरेशन करके नहीं निकाला वेल इन टाइम बचपन में, तो फिर वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और अनडिसेंडेड टेस्टिस एक बहुत कॉमन कारण है जिससे कि इनफर्टिलिटी होती है। कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है हर पैसेजवे में, तो इंक्लूडिंग टेस्टिकुलर पैसेजवेज, वास डिफरेंस, इन सब में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी आपके स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते हैं और आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, या कुछ इन्फेक्शंस जैसे क्लेमाइडिया, जैसे HIV, जैसे गनोरिया, और जैसे बचपन में मम्प्स। मम्प्स से टेस्टिस पर बहुत फ़र्क असर पड़ता है और उससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है आपको। एक मेजर कॉज है रेडिएशन का, जैसा मैंने बताया, या तो आप ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं या रेडियोलॉजिकल एक्सरे विभाग में काम करते हैं, बहुत सारी एक्सरेज आती हैं। दूसरा रेडिएशन का एक्सपोजर होता है कैंसर के मरीजों में, तो अगर आपका कैंसर का इलाज हुआ है उसमें आपको बहुत सारा रेडिएशन मिला है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि शायद आपको उससे फ्यूचर में इनफर्टिलिटी
हो जाए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इनफर्टिलिटी से कैसे बचा जाए, इसके क्या क्या बचाव हैं, और अगर हो जाए तो उसको कैसे हम इलाज कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो, कोई और क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम और हमारी टीम आकर जल्द से जल्द उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानने के लिए कि इनफर्टिलिटी का बचाव कैसे किया जाए और उसका इलाज कैसे संभव है। नमस्कार।